नमस्कार मैम, स्वागत करती हूँ मैं आपका लाइव बुकारो के चैनल में। मैं चाहूँगी आप हमारे फैंस को अपना एक बार इंट्रोडक्शन दे दें, क्योंकि मैं अगर दूँगी ना तो उतने अच्छे से दे नहीं पाऊँगी इंट्रोडक्शन, तो इसीलिए मैं चाहूँगी एक बार मैम खुद से अपना अचीवमेंट आप बता दें। मेरा नाम है लक्ष्मी रानी मांझी, मैं आरसीबी प्लेयर हूँ। मैं अभी जो 2016 में जो रियो ओलंपिक हुआ था उसमें हम पार्टिसिपेट किए थे, और मेरा अचीवमेंट है वर्ल्ड चैंपियनशिप में हम लोग का सिल्वर मेडल है, एशियन चैंपियनशिप में सिल्वर है, ब्रॉन्ज है, नेशनल है, इंटरनेशनल में गोल्ड मेडल है, और भी बहुत सारे हैं। तो ऐसे हैं, अभी भी कंटिन्यू है, खेल रहे हैं अभी। मैम आप वुमेन एम्पावरमेंट को आगे बढ़ा रही है, तो उसके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, क्योंकि अभी गर्ल्स ऐसे हर क्षेत्र में बहुत अच्छी कर रही है, लेकिन अभी भी बहुत सारा ऐसे क्षेत्र हैं जहां वहां से अभी गर्ल्स लोगों को ऊपर आना है। जैसे अभी ये देख से इस जहां यहां पर हो रहा है ये जो आर्चरी टूर्नामेंट हम लोग स्टेट मीट हो रहा है, तो यहां पर भी ये चाहते हैं कि यहाँ के जो बच्चे लोग हैं वो आए, देखें, कुछ सीखें। जो यहाँ जो अच्छे प्लेयर लोग हैं, जो अर्जुन अवार्डी हैं, जो ओलंपियन हैं, उन सब से मिलें, मतलब तो उन लोग को पता चले कि यहाँ पर जो टूर्नामेंट हो रहा है, क्योंकि बहुत सारा बच्चे लोगों को पता नहीं है। गेम बहुत सारे हैं, लेकिन ऐसे सोचते हैं कि गेम बस यूँ ही ऐसे गेम खेलते हैं कि मतलब लाइफ वेस्ट करना। अभी भी हम लोग ऐसे सोचते हैं कि पढ़ाई में ही मतलब लाइफ है, करियर होता है, लेकिन ऐसे नहीं है। जब तक वो जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं किसी के बारे में, वो जानेंगे नहीं जो प्लेयर उठे हैं वो कैसे उठे हैं, किस चीज़ का परिस्थिति में सामना किए हैं, कैसे एक ग्रास लेवल से लेके एक टॉप प्लेयर तक पहुँचे हैं, तो वो जब तक वो सामने में नहीं होंगे, जब देखेंगे नहीं, तो सब अच्छा है कि यहाँ पर जितना भी अभी हम देख रहे हैं कि अभी जो गांव से आए हैं बच्चे हैं, औरत हैं, जेंट्स हैं, सब कोई है, कम से कम इसको जाने कि यहाँ पर भी कुछ है। कि अभी बहुत सारा क्षेत्र है कि आर्चरी जानते हैं, लेकिन वो जो गांव में यूज़ होते हैं तीर धनुष है उसको, लेकिन अभी जो मॉडर्न है वो नहीं जानते हैं। तो यही कि जब तक वो जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, तो रोल मॉडल एक होते हैं कि सक्सेस होने के बाद हाँ ये रोल मॉडल ये करना चाहता है, लेकिन उसके जो बीच में है वो जानते नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो जब तक जिसको भी वो रोल मॉडल मानते हैं उससे अगर रूबरू होने से वो बहुत काम आता है। मैम मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहूँगी कि हमें उस किट के बारे में नॉलेज दे, अगर आपके पास पॉसिबल भी हो तो। एक गुजारिश करना चाहूँगी आप अपने इक्विपमेंट के बारे में कुछ हमें बताएंगे, ताकि हमारे न्यू कमर्स जो है उनको इस चीज़ की नॉलेज हो जाए। जैसे हम लोग का तीन कैटेगरी है, एक है रिकब है, कंपाउंड है, इंडियन राउंड है। सबसे बेस्ट है अगर जिसके पास चलाने के लिए से वो नहीं होता है, जैसे कि क्योंकि हम लोग का जो रिकब है वो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, लेकिन इसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप इंडियन राउंड से भी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे हम लोग का इंडियन राउंड होता है बैम्बू से जो बना हुआ रहता है, और हम लोग का जो थोड़ा जैसे कंपाउंड में जाएंगे या रिकब में जाएंगे वो थोड़ा कॉस्टली हो जाता है, वो सिर्फ कार्बन का है, अधिकतर वो बाहर में मैन्युफैक्चरिंग होता है। और ये जैसे कि हम लोग का इंडियन राउंड है, इंडियन राउंड हमारे इंडिया में ही बनता है बेसिकली, और हमें नेशनल यहीं पे ही होता है, यहाँ ऑल ओवर इंडिया में होता है हमारा यहाँ पे, तो वो कहीं भी आपको अवेलेबल मिल जाता है। जैसे आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आप इंडियन राउंड मस्ट है। मैम कैसा लग रहा है यहाँ आकर के? अच्छा लग रहा है अभी, क्योंकि ये नया प्लेस है तो मुझे भी अच्छा लग रहा है इन्वायरमेंट, क्योंकि अभी जितना भी दर्शक अभी हम देख रहे हैं तो ये लोग भी उत्साहित से आ रहे हैं, देख रहे, जान रहे कि हमारा आर्चरी कैसे ऐसे जानते हैं, लेकिन अभी तक ये गांव का जो क्षेत्र है तीर धनुष, वही हम बोल रहे कि तीर धनुष जानते हैं, लेकिन अभी जो नया मॉडर्न है वो नहीं जानते हैं। तो ये देख के वो अभी कुछ कुछ हम बच्चे लोग को भी देखे इंटरेस्ट से पूछ रहे हैं ये क्या है कैसे होता है, तो ऐसी देख के भी खुशी लग रहा है कि नहीं इन लोग को भी इंटरेस्ट है, कि हम लोग उसको बताने में बहुत इंटरेस्ट लग रहा है कि नहीं आप लोग भी इसमें आइए। हम बोल रहे कि आप लोग भी हम लोग का जैसे, या आप लोग हम लोग से भी अलग अपना एक नाम अलग से आप स्थापित कर सकते हैं। कसमार जैसे गाँव में इतना बड़ा आयोजन करना, इसके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं डेफिनेटली है कि क्योंकि वही हम बोल रहे हैं कि यहाँ कसमार में ये फर्स्ट टाइम हो रहा है, बोकारो में हुआ था पहले, तो बोकारो स्टील सिटी में हुआ था, तो यहाँ पर एक है सबसे बेस्ट यहाँ पर थिंग है, जो आसपास के जो गांव के इलाके हैं जो है वो जो कभी देखे नहीं है कुछ नहीं, उन लोगों के लिए एक नया एक्सपेरिमेंट है, हम लोग के लिए भी है कि हम हमारे थ्रू अगर कोई एक जो बच्चे इंस्पायर हो रहे हैं वो हम लोग के लिए बहुत बड़ा एक उपलब्धि है, क्योंकि हमारे वजह से अगर कोई जैसे नए बच्चे आ रहे हैं वो जैसे यहाँ से वो नहीं जा सकते, शहर नहीं जा सकते हैं, उसके लिए बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है सीखने के लिए। मैम कुछ लास्टली आप कुछ बोलना चाहेंगे हमारे न्यू कमर्स के लिए?
नहीं, न्यू कॉमर्स के लिए ये है कि आप लोग आइए, डेफिनेटली अच्छे प्लेयरों से मिलिए, जो भी इस मुकाम हासिल के हैं उन लोगों से मिलिए, और ऑब्वियसली हम चाहते हैं कि आप आर्चरी में जितने आएंगे उतने अच्छे हैं। आर्चरी एक हमारा परंपरा भी है, एक हिसाब से बोलेंगे तो कि झारखंड की एक परंपरा ही है, और यहाँ से दिग्गज आर्चर निकले हैं, आर्चरी से ही अधिकतर निकले हैं। तो एक हमारा भी जो न्यू कॉमर्स है तो उसे चाहते हैं कि वो लोग भी आर्चरी करें। थैंक यू। लाइव बोकारो पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।